वैसे सलीका भाभी से ना ऐसी घटियापन की उम्मीद थी मुझे। ये सारा रफड़ जो है ना, ये पैसे का है, पैसे की गेम है। चूना लगा के चली गई आपकी परजाई। आपको वो कैसे? वो ऐसे कि जहेज के पैसे बचाती रही है, तभी तो बिट्टू का आज तक ब्याह नहीं किया। अम्मी, पैसे को बीच में मत लेके आओ तन्नू। पैसा बीच में से निकला ही कब था अब्बा जी? पैसा तो बीच में ही रहा है। ये तो वही बात हो गई, आजकल का ये हाल है, जिसकी कोठी दाने उसके तो कमले भी सियाने। मेरी बेटी बोझ नहीं है किसी पे। प्लॉट लेके रखा हुआ मैंने उसकी शादी के लिए, और पूरा खानदान जानता है ये। जानते तो सब है अब्बा जी, लेकिन जान के अनजान बनते हैं। मानो उपो को अंदर लेके जाओ। अब्बा जी अगले 6 माह के अंदर अंदर मैं बिट्टू की शादी करके दिखाऊंगा। रहन दो शर्जी साहब, उतनी बात किया करें जितनी निभा सके। क्यों, मैं क्यों नहीं निभा सकता? पहले हमारे रफड़ काम है, हर तरफ पोली पोली टोलकी बज रही है कर्जे की, है पराई आग में छाल मारने की क्या लोड़ है? ये सारी आग तुम्हारी और तुम्हारी खालाजाद बहन की लगाई हुई है, जिसने मेरी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर रखा है। हाँ जी, मुझे तो पता था ये मेडल भी मेरे ही गले में आके पड़ना है। अल्लाह याती दे बिट्टू के माँ प्यो को। लेकिन अल्लाह ने बिट्टू को 2 जवान हटे कट्टे भाई इसलिए नहीं दिए थे कि एक दूसरे का टिट फाड़ते रहे। बहन का ब्याह कर लेना था ना टाइम से, हमारे गले क्यों मुसीबत डाली है? जाओ बेटा जाओ। क्या तुम्हारी बीवी हर वक्त सुनाती रहती है तुम्हें? अब अजय नहीं सुनता हूँ मैं, कान बंद है मेरा। सुन लेते तो जिंदगी संवर जाती तुम। खुदा के लिए अम्मी, मुंह तो ठीक रखे अपना। ना क्या करूं मैं, पागलों की तरह हंसना शुरू कर दूं या तेरी फूफी के इर्द गिर्द घूमन खेरियां डालूं और झूमर डालूं? ऐसा नहीं कह रही मैं, बताएं गुस्सा किस बात का आपको? ना अंदाजा लगाओ भला है, अपना कर्जा उतरा नहीं है, पराई बला जो है वो अपने सर पर डाल ली है, हैं? ये अंदाजा लगा तू अपने बाप की मोटी अकल का। अम्मी, बिट्टू आपा की जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी अब्बा मियां जिंदा है। वैसे तो उसकी माँ भी जिंदा है, लेकिन 5 सालों में अपनी बेटी का ब्याह नहीं कर सकी है, हैं? आगे यहाँ पे सारी जिंदगी बेस्वादी करके रख दी। अम्मी आहिस्ता बोले, क्या हो गया आपको? बाबा वैसे ही बहुत अपसेट है। बाप तेरा अपसेट है तो हम कौन सा सबसेट चल रहे हैं? ए, तुझे क्या पता किसी बात का? जिसका सार होता ना उसी को अपनी पीड़ का पता होता है। उधर वो वाला गेट पिछला, इसका भी दिमाग काम नहीं करता इसके बाप की तरह। तो जिंदगी जो है आराम करके रखती है लोगों ने। ओ हेलो, अंदर का चले आ रहे हो? हाँ फरमाइए। बिट्टू आपा को भेजना, बात करनी है उनसे। फिलहाल वो किसी से बात करने के पोजीशन में नहीं है। क्यों, पंखे से लटकाया हुआ उन्हें क्या? हाँ यही समझ लो, ताकि खुल के हवाले सके इतनी घुटन ज्यादा माहौल से जो आ रही है। देखो यार, मेरा बहस करने का बिल्कुल मूड नहीं। तो हमें आपके मूड को फॉलो करना होगा। छोड़ो यार, मैं खुद बात कर लेता। अरे ऐसे कैसे बात कर लेता हूँ। बिट्टू आपा, कोई अस्तन मुनीर मिलना चाहता है आपसे। उनसे कह दो पहले उसकी माँ की कही हुई बातें हजम कर लूँ ना, फिर बाकी खानदान से भी बात कर लूंगी। बढ़िया आया मिलने। सुन लिया, हो गई तसल्ली। चलो चलते फिरते नजर आओ और दरवाजा बंद करके जाना।